हाँ जी भाई जी, पहले तो मैं तुहाडे कोलों जानना चाहना कि यह जिहड़ा विवाद है सारा, बार बार कहा जा रहा है जी कि जिहड़ा गीत है मैं हूँ बलात्कारी तुसी गाया, पर तुसी पहले उस लिए माफ़ी मंगी तो हुण तुसी कह रहे हो कि वो गीत तुसी ने गाया, उहदे लिरिक्स तुसी नहीं लिखे। की कहना भाजी चाहोगे इस बारे? कभी कभी भी माफी नहीं मंगी, पहली गल। अच्छा एंड दिस इज माय फर्स्ट कोट एंड कमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ऑन इंडियन न्यूज़ चैनल। थोड़ा पहला न्यूज़ चैनल है जी जिथे मैं पहली बार गल कर रहा। जी जी जो भी यह मसला होया था ना भाजी, जनवरी की गल है, हाँ जी हाँ जी ते सारे इंडिया के न्यूज चैनल लग गए थे जी, हनी सिंह ने ये गाया वो गाया। पहली गल भाजी, जेडे मेरे मिलियंस ऑफ फैन सीगे ना, जेडे 5-6 साल तो गाने गा के, थोड़ा तो पता है मैं पंजाब तो ही आया है ना जी, 5-6 साल उत्थे एज अ म्यूजिक डायरेक्टर सीगा, उस तो बाद रैप आर्टिस्ट बन के, उस तो बाद बॉलीवुड वगैरह जो भी गाने उन्हें गाए सारी पंजाब की सपोर्ट तो बाद, तो फाइनली इट्स ऑल हैपन इन 5-6-7 ईयर्स। ठीक है, तो वो जो मिलियन ऑफ फैन सीगे, मैं क्यों नहीं किसी न्यूज चैनल से उस टाइम बोलिया, क्योंकि सारे लगे थे बोलने, बिकॉज वो मिलियन ऑफ फैन ऑलरेडी पता सीगा कि मैं कभी नहीं गाया, नेवर मैं कभी भी अपोलॉजी नहीं दी, क्योंकि जब मैं कोई चीज गाई नहीं उसके लिए अपोलॉजी करे क्यों करा। सो इट जस्ट ऑल हैपन ब्रो। पर हुण जिहड़ा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा सी कि तुसी उत्थे पेश होना है, तुहाडे खिलाफ़ हाँ जी नोटिस जिहड़ा है वो जारी किया गया है, पर तुसी जी कोर्ट 'च पेश नहीं होए सी। नहीं, सानू कोई समन जारी नहीं होया सी सर, सानू कोई समन रिसीव नहीं होया सी, दैट्स व्हाई वी डिडंट बी देयर, एंड दिस टाइम वी गॉट द समन एंड डेफिनेटली वी विल बी देयर। आई रियली रिस्पेक्ट, मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करना इंडियन जुडिशियल सिस्टम दी, ते माय लॉयर्स एंड माय लीगल डिपार्टमेंट इज हैंडलिंग इट, ते डेफिनेटली आई विल बी देयर। पर क्योंकि लास्ट टाइम जदों 14 मई नूं पंजाब सरकार नूं इस चीज़ नूं लैके फटकार लाई गई सी कि हाले तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, फिर नवांशहर पुलिस ने FIR जिहड़ी सी वो तुहाडे खिलाफ़ रजिस्टर की, उस बारे तुहानूं जानकारी है कुछ? नहीं, उस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बट मेरे लीगल डिपार्टमेंट एवरीबडी इज हैंडलिंग इट, ते वो सारे उस चीज़ नू फॉलो अप कर रहे थे। पर हनी जी, यह क्यों बार बार हुंदा है कि तुहानू इस चीज़ का टारगेट बनाया जाता है कि तुहाडे गीत जिस तरह के हुंदे ने, तुसी इस चीज़ तो गुरेज करना चाहते हो, इस चीज़ तो तौबा करना चाहते हो? नहीं भाजी, मेरे गीत किस तरह के होंगे दैट्स अ डिफरेंट थिंग। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉन्ग जिदे करके सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। मेरे गीत उस तरह के होंगे जिस तरह के पूरी दुनिया के गीत होंगे भाजी, जिस तरह बिल्कुल के अज तक गीत होंगे आए हैं, मेरे गीत हमेशा उस तरह के। मेरा मैंने लगता है कि मैंने टारगेट क्यों किया जाता है, क्योंकि पहली गल मैं सिर्फ काम करना भाजी, हाँ जी दूजी गल मैं कभी कुछ बोलता नहीं, किसी को नहीं बोलता, नाले मैं अजकल का यह फील होने लग गया कि मैं अज तक भाजी पंजाब कुछ शो नहीं किया, पहली गल है ना, ते पंजाब ने इन्ना सपोर्ट किया, बॉलीवुड तक पहुंचाया, मैं वर्ल्ड वाइड शोज किए भाजी, पूरी इंडिया चेन्नई तक तो लैके जम्मू तक शोज किए, एना मैं उत्थे जाके स्टेज से पंजाबी बोला सी, पंजाबी गाने गाते, आई फेल्ट सो सो बिग प्राउड, बट मैंने कोई थोड़े दिनों तो यह फील होने लग गया कि कि जे किसी नूं ना कुछ भी करना ना फेमस होना, चलो की करते हैं यार एक काम करते हैं, वो बंदा जिहड़ा काम कर रहा ना हनी सिंह, उन्हूं गालां कढ़दे फड़ के, उन्हें अच्छा तो कुछ कहना नहीं, असीं मशहूर हो जाएंगे। भाजी तुसीं 2012 की यूट्यूब की रिपोर्ट और गूगल की रिपोर्ट खोलोगे ना भाजी, उहदे ते तुहाडा छोटा वीर यो हनी सिंह नंबर वन है पूरे वर्ल्ड वाइड भाजी, पूरे वर्ल्ड वाइड ते गंजम स्टाइल एक गाना सी कोरियन सॉन्ग, वो नंबर वन सीगा, ते हुण मैं हॉलीवुड गया भाजी पिछले महीने, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द ब्राउन रंग, एंड आई रियली वॉन्ट रिस्पैक्ट एंड आई रियली वॉन्ट थैंक्स ऑल माई फैंस जिन्होंने इन्ने साल तो सपोर्ट किया। कुछ लोग ने जो कुछ कहते हैं तो कोई नहीं, मैं उन्होंने भी बहुत प्यार करता, उन्होंने वो करके मैं होर जोश मिलता कि नहीं मैं होर काम करना। मैंने इन्ना पता भाजी, मैंने छोटी जी गल पता, मैं पिछले 6-7 साल तो काम कर रहा, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग समथिंग बैक। मैंने एक चीज पता भाजी, जेडे भी लोग कुछ भी कहें ना, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो मेरे तो दिमाग पावर पैसे च बहुत वड्डे होणगे, बट मैंने यह लगता कि मेरे को जी पावर है वो हैगी मेरी कला की, मैं गाने गाना बना लिखना, वो आई विल कीप डूइंग इट। यह सारी फैन फॉलोइंग है, सारे लोगों की सपोर्ट ना भाजी कई सालों चो ऐसी करके जुड़ी है, ते तो वो फिर हले भी तुसी फिलहाल हनी जी इस गल नाल सहमत हो कि जदों लोग तुहाडे बारे बहुत ज़्यादा गल कर रहे होन, इहदा मतलब कि तुसी तरक्की कर रहे हो? भाजी वो कहते ना कि भी पत्थर लोग वही दरख्त मारते हैं जिथे अंब लगे हो, जिथे फ्रूट लगे हो, तो भाजी एक तो है मैंने लगता कि जिन्हें के भी लोग भावें वो शो बिजनेस च होन, भावें वो पोलिटिकल बिजनेस च होन, भावें थोड़े जे मशहूर होन, तालियां ते गालियां वो मिलनी मिलनी है, वो हैगी है किस्मत च, वड्डे बजुर्ग कहते कि यह तो होना है, ठीक है, हर बंदे नूं एक पड़ाव पार करना पैंदा, बट मैनू है कि मेनू हिम्मत मिलती है, थोड़ा जि डिप्रेसिंग लगता भाजी, मैं हूँ लॉस एंजलिस गया हॉलीवुड, थोड़ा जि डिप्रेसिंग पता की लगता, दिल में बहुत ज्यादा दुख होंगे, कल बह के ना मैं बहुत रोया भी एक दिन की गल है,
ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਭਾਜੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਨੇ? ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਲਵਡ ਮੀ ਲਾਈਕ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਆਈ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਫਿਰ? ਇੰਨਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਛੱਡੋ ਪੂਰੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਇਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਇੰਦੌਰ, ਕੈਲਕਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਾਸ ਭਾਜੀ, ਯੂ ਨੇਮ ਇਟ, ਬੈਂਗਲੋਰ ਭਾਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਸ ਏਂਜਲਿਸ ਗਿਆ ਮੈਂ ਭਾਜੀ, ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਮੋ 'ਚ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਸੌਂਗਸ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਅਪ, ਲੋਟਸ ਆਫ ਫਿਲਮਸ ਦਾ ਕਮਿੰਗ ਅਪ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ ਹੈ ਹਨੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰੀ, ਇਹ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਿਰਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਭਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਬਣ ਰਹੇ, ਹਿੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਘਰ ਬਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ, ਮੋਮ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖੂੰਗਾ, ਕਿਉਂ ਗਾਊਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਕਿ ਵੀ ਹਾਏ ਵਟਐਵਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐਨੀਥਿੰਗ ਦਾ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਮੈਸ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਬਲੇਮ ਐਨੀਵਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ? ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯਾ 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 ਹਾਂਜੀ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਲੀਗਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਰੀਲੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਇਟ ਬਿਗ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਓ ਇਟਸ ਅ ਟਾਈਮ ਟੂ ਹਿੱਟ ਬੈਕ ਦਮ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੈਮ, ਐਂਡ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੈਫਾਮੇਟ ਦੈਮ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸੀ ਟੂ ਇਟ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਸ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਏਮ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗ੍ਰੈਮੀ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਮੀ, ਪਲੀਜ਼। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਨੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਆਫ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਆਲਰਾਈਟ।